वाराणसी से समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आए तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो जाने के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब तक इस पर खामोश है। इसी फहरिस्त में कांग्रेस के पटना साहिब प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आ गया है। पूर्व बीएसएफ जवान का नामांकन रद्द होने का सवाल जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तो जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। इल्जामों के तीर चलाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कहीं ना कहीं दाल में काला है। साथ ही उन्होंने पूछा, क्या वन मैन आर्मी के लिए अलग पैमाना है और आम आदमी के लिए अलग? उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग इस बात का जवाब दे कि आखिर ये अलग अलग पैमाना क्यों। तेज बहादुर यादव वहां कंटेस्टिंग में आ रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस का उम्मीदवार भी मजबूत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, देश में महागठबंधन की धूम मची है और हवा हमारे पक्ष में चल रही है। अब प्रधानमंत्री के शिगुफे काम नहीं आएंगे। एसपीएन 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।